आज पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। राधा मोहन साथ होते ना तब तभी तो हिट है। राधा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना वो राधा है। गुनगुन मत रोको मोहन को। ऐसा मत करना, हम आपके लिए कभी नहीं लड़ सकते, कभी भी नहीं। जला दो राधा को मोहन, जला दो। हमारा तो मन था कि ये राधा को तुलसी की तरह जला दे, पर इसका पुतला जलते हुए देखकर हमें उतना ही मजा आ रहा है। जलेगी राधा और ठंडक हमें पहुंचेगी। हमें विश्वास था कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते जितना हम आपसे करते हैं। आप हमारे मोहन जी हैं ना, हमारे पति, हमारा प्रेम, हमारा सब कुछ। अगर आप भी किसी और के साथ चलेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, बताइए तो। कैसे फेल हो जाओगी तुम? भूल गई क्या, राधा मोहन साथ है तभी तो हिट है ना। और मैं पूरी ना तुम्हें फेल होने दूंगा यार। बस ओए राधा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Yeah.
सकता हूँ मैं। ये राधा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती यार? कितनी कोशिश की मैंने कि राधा मेरा पीछा छोड़ दे, पर छोड़ती नहीं है मेरा पीछा। अच्छी तरह जानती थी कि आप वही मोहन त्रिवेदी हैं जो 7 साल पहले थे। पर देखिए आपने क्या कर दिया। आपकी हरकतों ने सबको ये बता दिया कि आपको आज भी मुझसे प्यार है। आज भी आप मेरे पीछे पड़े हैं। और आज भी आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। मैं नहीं, मैं आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूं मोहन जी। मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे। मुझे दोबारा पाने के लिए आपने न जाने कितनी कोशिशें कर ली, पर मैंने आपको भाव नहीं दिया। कि जो कुछ भी ड्रामा आप कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात की मिर्ची लग गई है मिस्टर त्रिवेदी कि मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। खैर, आप प्लीज एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए मिस्टर त्रिवेदी। आप ये सब जो कर रहे हैं ना, इससे सोसाइटी के रूल्स टूटे हैं। और अब आप ही को नुकसान होगा।